केरल दे इस आदमी दी जिंदगी पिछले 2.5 दहाकियां तों सप्पां नाल बहुत नेड़ियों जुड़ी हुई है। विनेश कुमार पलक्कड़ जिले दे चेरुपलेसरी खेतर दे रहण वाले ने, जिस इलाके विच अक्सर जानलेवा सप्प पाए जांदे ने। पर चाहे ओह कोबरा होवे जां किंग कोबरा, ओह सारे विनेश कुमार दे सामने अनुशासित विद्यार्थी वांग रहिंदे ने। विनेश केरल दे जंगलात विभाग अधीन पलक्कड़ विच मलम पूजा सप्प बचा अते मुड़ वसेबा केंद्र च एक अस्थाई कर्मचारी ने। जद विनेश 7वीं जमात दे विद्यार्थी सी तां ओह सप्पां वल आकर्षित होए सी। हौली हौली उन्हां दा सप्पां लई जनून अते प्यार वधदा गया। जदों विनेश ने एक सप्प फड़न वाले दे सामने एक बहुत ही जहरीले कोबरे नूं सिर झुकाउंदे देखिया, तां विनेश नूं सप्प फड़न वाले अते उस दी योग्यता तों सत्कारक डर लग्गिया। बाद विच सप्प फड़न वाले लई सत्कारयोग हैरानी ने विनेश नूं सप्प फड़न लई प्रेरित कीता। उस तों बाद विनेश सप्पां नाल जुड़न अते दोस्ती करन लई बहुत उत्साहित होए। विनेश नूं खुद एक सप्प फड़न वाला मिलिया, जिस ने उन्हां नूं हैरान कर दिता। इस तों बाद विनेश ने उस नूं अपनी सिखलाई लई चुनिया। बाद विच उन्हां हौली हौली सारे सप्प फड़न वालियां तों सप्पां नूं फड़न लई बहुत सारे सुझाव अते तरीके सिखे। इस खेतर दे कोयंबटूर दे वसनीक पार्था सारथी ने भी विनेश नूं बहुत प्रभावित कीता। मेरा सिर्फ सप्पा नाल ही नहीं बल्कि सारे पालतू अते जंगली जीवां दे नाल एक कुदरती प्यार है। इत्थे असी बहुत सारे छोटे जीवां नूं बचाया है। असी उन्हां नूं भोजन दिंदे हां। जदों सानूं अहसास हुंदा है कि उन्हां नूं रिहा करन दा समां आ गया है, तां उन्हां दी अपनी जिंदगी दे लई जरूरी खेतर विच छड्ड दिंदे हां। असल विच मैं सारे जानवरां विच दिलचस्पी रखदा हां अते मैनूं सप्पां विच थोड़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। विनेश वड्डे वड्डे समागम अते यज्ञ कर चुके ने, जिस च उन्हां दा हजारां सप्पां नाल पिंजरे विच पए हफ्ते बिताउणा भी शामिल है। विनेश 1996 विच मलम पूजा स्नेक पार्क विच एक अस्थाई कर्मचारी वजों नौकरी करदे सी। विनेश ने इत्थे स्थानक पार्क विच 100 तों वध जहरीले अते गैर जहरीले सप्पां दी देखभाल दी भूमिका निभाई। विनेश ओह व्यक्ति ने जो किंग कोबरा समेत सारे सप्पां नूं नहाउंदे अते खवाउंदे ने। विनेश ने हुण तक हजारां सप्पां नूं बचाया है। उन्हां 100 तों वध किंग कोबरे फड़े ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੱਪ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਲਮ ਪੂਜਾ ਸੱਪ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਅੱਧੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ETV ਭਾਰਤ। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.